जैसे कि ये मैंने कहा कि ये पावर कनेक्टर जो है, ठीक है, अब इसको ट्रेस कैसे करेंगे हम कि कहाँ पे पिन शॉर्ट करनी है। ठीक है, देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6 पिन है, तो इस 6 पिन में से कोई एक आपका पावर की है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि आपके पास वो पिन ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस मदरबोर्ड को पावर देंगे, एक तो बैटरी के जरिए या फिर एसी मतलब पावर एडाप्टर के जरिए, ठीक है, इसको जब आप पावर देंगे तो पावर एसी इन मतलब पावर इन होने के बाद जिस पिन पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलता है, जिस पिन पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलता है वो है आपका पावर ऑन की। ठीक है, जिस पिन पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलता है वो है आपका पावर ऑन की। ठीक है, अभी एक छोटा सा मैं आपको एक कागज पे एक डायग्राम निकाल के मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो समझ लो कि ये आपका कनेक्टर है और ये आपका पावर की है। तो अभी आप क्या करेंगे, समझ लो कि ये आखिरी वाला आपका ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, और ये आपका सुपर आयो चिप है, यहाँ पे है आपका सुपर आयो चिप। थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सुपर आयो चिप है, यहाँ पे, यहाँ से इस सुपर आयो चिप से एक पिन होके निकलती है और वो जाती है आपकी पावर की के लिए। ठीक है, और देखिए अब ये तो कभी कभी डायरेक्टली भी जाती है और कभी कभी इसके अंदर कोई डायोड भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आपको स्कैमेटिक डायग्राम से देखना है कि ये इसका सप्लाई डायरेक्टली इस पे मिलता है या फिर डायोड पे। ये एक प्रोटेक्टेड डायोड होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीमीटर का आपको रेड प्रोब लगाना है और यहाँ पे ग्राउंड को एक प्रोब लगाना है, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए 3 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव यहाँ से और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 3 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ये आपका पावर कनेक्टर है, पावर कनेक्टर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 3 वोल्ट आपको मिलता है तो आपको कौन सी पिन शॉर्ट करनी है, ये वाली यानी कि पावर की वाली, ये वाली शॉर्ट करनी है और ग्राउंड वाली, ये दोनों को आपको शॉर्ट करना है, तब आपका मदरबोर्ड शुरू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर नहीं ऑन होता है तो समझ लो कि मदरबोर्ड में कोई तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेसिंग करना है। अगर यहाँ पे आपको 3 वोल्ट नहीं मिलता है तो आपको देखना है, ट्रेस करना है स्कैमेटिक डायग्राम के थ्रू कि अंदर कोई प्रोटेक्टेड डायोड है या नहीं। ठीक है, और आपको स्कैमेटिक में देखना भी है कि सुपर आयो के कौन से पिन पे आपको कौन सा पिन वो है जो पावर की वाला, पावर ऑन ऑन बटन वाला पॉइंट है, तो वहां से आपको 3 वोल्ट सप्लाई चेक करते हुए जाना है। अगर यहाँ पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है तो समझो कि आपका ये खराब है, यहाँ पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए जो पावर ऑन की होता है, जहाँ पे पावर ऑन की का आउटपुट होता है। तो आपको अभी दिखाई देगा, मैं आपको स्कैमेटिक में समझाता हूँ कि वो पावर ऑन की और यहाँ पे पावर कनेक्टर पे कैसे होता है। देखिए अब ये मेरे सामने है एचपी पेवेलियन 15 सीरीज का ये स्कैमेटिक डायग्राम जो कि मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने उसका कनेक्टर जो दिखाया था आपको, वो कनेक्टर का
का नंबर था CN4। तो अभी मैं फाइंड करता हूं उसे, CN4, CN4। ओके, अब ये सर्च करेगा। ठीक तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी CN4 करेक्टर कहाँ है। ओके, देखिए ये पावर बटन कनेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखो पावर बटन कनेक्टर, ये कनेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आपका जो पावर ऑन स्विच है, पॉइंट है, वो कहाँ पे देखिए, ये पहला कौन सा है, +3 PCU लीड स्विच पावर, और ये आपका दूसरा भी है लीड स्विच पावर, तीन नंबर लीड स्विच पावर ऑन। अब ये जो है, ये है आपका चार नंबर पिन, ये क्या है आपका पावर ऑन की है, चार नंबर। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे सुपर आयो की तरफ। तो सुपर आयो आयो जो है वो मदरबोर्ड पे मुझे दिखा रहा है U13IC करके, U13, ये देखिए अब मैं U13 पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं गया U13, ये रहा आपका हमारा U13IC। अभी यहाँ पे हमें देखना है पावर ऑन, देखते हैं पावर ऑन हमें कहाँ पे मिलता है। ओके, पावर ऑन, ये सब देखिए, ये है वायरलेस ऑन ऑफ, शायद इस तरफ होगा। यहाँ पे देखिए पावर LED, कैप्स लॉक LED, वॉल्यूम म्यूट, ऑन टच पैड LED, कीबोर्ड चेक। ओके, ये जो है 19 पिन, ये है आपका पावर ऑन। ठीक है, ये जो 19 नंबर पिन है ना, ये है आपका पावर ऑन की। ठीक है, यहाँ पे सुपर आयो पे अब हम वापस से जाएंगे CN4 पे, CN4। ओके, अभी हम आ गए वापस से CN4 पे, हमारा 19 नंबर पिन था। NBSW ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर ऑन की। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना होगा स्कैमेटिक में कि आपका पावर ऑन की कौन सा होता है। ठीक है, तभी, और जब आप कम से कम 10-15 लैपटॉप का आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए अब ये 4 नंबर पिन जो है, इस पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। ठीक है, और 3 वोल्ट सप्लाई अगर वहां पे मिलता है तो समझ लो कि ये आपका पावर ऑन की है। ठीक है, चलो अभी दूसरा एक देखते हैं हम, दूसरा स्कैमेटिक लैपटॉप का है, एक IBM लिनोवो G460 जो हमने मदरबोर्ड देखा था उसका देखते हैं। तो मदरबोर्ड पे इसका पावर कनेक्टर जो है JP3 करके है,
JP3, JP3, ओके JP3, देखिए ये अभी हमारा करेक्टर है JP3, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ बटन जो है, ऑन ऑफ बटन वो 2 नंबर की पॉइंट पे है, 2 नंबर पॉइंट पे है, ठीक है। ये क्या है आपका ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ की, ठीक है। अभी इसका हम सुपर आयो देखते हैं। सुपर आयो है U13 करके, तो अभी हमें यहाँ पे U13 में जाना होगा, U13, ओके हम गए अभी U13 पे, ये पी U13 है, U13, ओके ये है आपका सुपर आयो। अभी हमें देखना होगा कि इसमें हमारा पिन कौन सा है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, पावर की, पावर की, पावर ऑन, पावर ऑन, पावर ऑन, ये देखिए यहाँ पे 32 नंबर पिन है हमारा ऑन ऑफ, ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। ये है ऑन ऑफ 32 नंबर पिन, ठीक है। देखिए ये आपका है सुपर आयो, और देखिए अलग अलग सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, PWM सेक्शन है, ये पावर विथ मॉडल सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये बैटरी वाला सेक्शन है, उसके बाद आपका LPC और मिसेलेनियस डिवाइसेस के लिए है, PS2 इंटरफेस, कीबोर्ड, SPI डिवाइसेस इंटरफेस, SPI फ्लैश रोम, GP, GPIO, SM बस, GPIO, GPO और GPI। मतलब ये जो इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस है उसके लिए जो भी कनेक्टर्स होते हैं, ये सब होते हैं आपके सुपर आयो चिप में, ठीक है। और सुपर आयो चिप से ही आपका पावर ऑन की का कनेक्शन निकलता है। चलो और एक देखते हैं हम, ये N5010 का है, और पहले हम इसका पावर PWRVTN, ओके ओके दे पावर बटन, पावर बटन, देखिए ये है U3701, एक्चुअली ये है सुपर आयो N5010 का, ठीक है। और ये आपका है पावर बटन, यहाँ पे पिन नंबर 95 पर, पिन नंबर 95 पर क्या है आपका पावर बटन है, और ये पावर बटन देखो हम देखते हैं हम कहाँ पे जाता है। इसके लिए हमें ये पूरा टाइप करना होगा, इसको कॉपी करके देते हैं यहाँ पे फाइंड में, पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ओके। ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से ओके। तो अभी इसमें क्या है देखिए, PWRPTN, ठीक उसके कनेक्टर पे देखते हैं हम पहले, माय कनेक्टर है यहाँ पे PWRVTN1, मदरबोर्ड पे दिया है पी, जहाँ पे कनेक्टर है PWRVTN1, तो हम ये कनेक्टर देखते हैं, ओके ये कनेक्टर आ गया है यहाँ पे देखो। और इसका जो
एक नंबर आपका ग्राउंड है, 5 नंबर ग्राउंड है, 6 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर पिन है आपका पावर बटन के लिए, 3 नंबर पिन है आपका पावर स्विच एलईडी के लिए, और 4 नंबर है पावर स्विच एलईडी बी के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर पिन आपका क्या है, पावर ऑन की आपका है। यहाँ पे आपको 2 नंबर और 1 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, ये तीनों में से कोई भी आप एक शॉर्ट कर सकते हैं और आपका मदरबोर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मदरबोर्ड के ऊपर पावर कनेक्टर को पिन्स पे शॉर्ट करके आप मदरबोर्ड शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।